स्टूडेंट्स देखिए आपको हम आज एक्सरसाइज 2.1 लगवा रहे हैं। 2.1 में पहला सवाल आपको दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कारण के साथ अपने अपना उत्तर दीजिए। देखिए ये तो बताना ही है कौन कौन बहुपद है कौन कौन बहुपद नहीं है, ये आप सीधा सीधा ये बता सकते हो, लेकिन इसमें कह रहा है कि कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब आपको मेन चीज है कि अगर आपको कारण जब लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमने पहला सवाल कॉपी किया, क्या है हमारा पहला सवाल, 4x² - 3x + 7। ये तो आपका सवाल था। अब हमने किया है क्या किया है, मेन x एक चर है, x क्या है एक चर, इसमें x के सभी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसमें x के सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः जो मतलब व्यंजक था, अतः व्यंजक 4x² - 3x + 7 एक चर वाला बहुपद है। अब देखिए सेकंड 22² + √2 ये आपका सेकंड सवाल था, हल किया आपने, क्या किया है में केवल एक चर बाई है, केवल एक चर बाई है, इसमें बाई की सभी घात, इसमें बाई की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। सभी घात क्या है, इसमें तो बाई केवल एक ही बार है, जब बाई एक बार हो या दो बार हो बात वही होगी, इसकी जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, अतः व्यंजक 22² + √2 एक चर वाला बहुपद है। तीसरा सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल देखिए 3√t + t√2 के पद 3√t है, क्या कह रहा है के पद 3√t है, इसमें t की घात 1/2 है, इसमें t की घात 1/2 है। हमेशा याद रखेंगे जब किसी भी चर पर अंडर रूट लगाए तो उसकी घात 1/2 1/2 है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः व्यंजक 3√t + t√2 एक बहुपद नहीं है। देखिए ये हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको थ्री सवाल ने आपको समझा दिए हैं, आपके इसके दो सवाल और रह गए हैं वो आपको लगाने हैं और आगे के सवाल आपको हल करने हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो वो आप तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है, और आप पूछ के जब आप पूछेंगे तो हम आपको दोबारा वीडियो बनाकर दिखाएंगे।